दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए न्यूज अपडेट्स आते रहें। मैं जहां खड़ा हूं पद्मश्री कलीमुल्ला खान साहब मलियाबाद लखनऊ के, वो बादशाह जिन्होंने एक ही पेड़ पर, जी हां एक ही पेड़ पर, ऑन वन सिंगल ट्री उन्होंने 350 से ज़्यादा आमों की ग्राफ्टिंग करके उगाए हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास है, अपने आप में कीर्तिमान है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। आप देख रहे हैं वहाँ पर नमो आम, बगल में अमित शाह, उधर सचिन मैंगो, और ये देखिए शरीफा आम। शरीफा एक फल है, इसके बारे में कुछ बताइए, आपका शुभ नाम। मेरा नाम नजीमुल्लाह खान, पद्मश्री के बेटे हैं। ये शरीफा जो है एकदम इस पार्ट एकदम शरीफा जैसा होता है, जैसे आप कोई भी आम देखते हैं वो चिकना होता है, लेकिन एकदम ये शरीफा जैसा आम है। ये खूबसूरत है, अंदर से भी मीठा है और फलत में बहुत अच्छा होता है। इससे शेप आप देख रहे हैं एकदम शरीफा जैसा है, जिसे आप लोग सीताफल भी बहुत बोलते हैं। कैसा लग रहा है आपको, इतने नर्वस की तरह, एकदम मज़ा आ रहा है आपसे मिलकर। आपका नाम क्या है? बज़मी। बज़मी साहब आप बताइए, इतने बड़े शख्सियत के फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदुस्तान में भी कि यहाँ पर हमारी ये रहती है, उसकी भी अच्छा ही लगता है कि अपने मुल्क में रह रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने मुल्क का पूरी दुनिया में पहचान हो, पूरी दुनिया में अपने मुल्क का फल बिके। तो हमारी कोशिश ही हम लोग की है कि दुनिया में पूरा आदमी फल खाए तो कहीं इंडिया का फल खाएंगे हम, मतलब कहीं का फल ही नहीं खाएं। हम लोग कोशिश ये है, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाएं और बाहर माल जाए, वहाँ की कंट्री आए, अपनी इकनॉमी मजबूत हो, अपने मुल्क का नाम भी हो। तो आपके चेहरे पर तो बहुत खुशी है, कैसा लग रहा है आज यहाँ दिल्ली में मैंगो? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने लोगों से आपकी अभी तक मुलाकात हुई? काफ़ी लोगों से हुई। और इन नामों के पीछे क्या राज है? ज़रा आगे आएँ प्लीज़, तशरीफ लाएँ। ये नामों के पीछे क्या राज है? राज तो यही खोल सकते हैं, राज तो यही खोल सकते हैं। ये नामों का राज ये, जिसे हमने नाम बनाया, जो फेमस आदमी है उन लोगों के नाम से रखे, ताकि वो ज़िंदगी वो ज़िंदा रहें। नाम, वो नाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। इंसान ख़त्म हो जाएगा, नाम नहीं ख़त्म होगा। अगर आप चाहेंगे किसी से नाम से रख दिया कोई चीज़, तो वो जब तक चीज़ रहेगी तो वो रहेगी, नाम रहेगा। ये एक पीछे रखा टॉमी एटकिंस, ये कौन है? ये टॉमी एटकिंस अमेरिका काम है, ये इंडियन काम नहीं है, ये वहाँ की वैरायटी है, जिसने बनाया होगा शायद उसका नाम हो, या किसी शहर का नाम हो, या कोई वहाँ अच्छा इंसान हो उसके नाम से भी हो सकता है। तो कल को हो सकता है कि मेरा भी नाम आ जाए, क्या पता अगर ऊपर से मेहरबानी हो जाए तो। हो सकता है, ये तो ऊपर वाला कुछ, ये तो ऊपर वाला जानता है जी, बेशक सही। आज हम लोग सीरियल चल रहा होता तो डेफिनेटली नन्हे आम आज यहाँ पे नजर आता। मेरे ख्याल से नन्हे आम जो है ना वो ये आना चाहिए। अगर आज चल रहा होता हम लोग सीरियल, अगर आज चल रहा होता, आज ऑन द एयर होता, तो नन्हे आम यहाँ पर लगा हुआ नजर आता। आज एक बहुत अच्छी बात हुई है, आज 7 जुलाई 1984 को हम लोग हुआ था, आज ही के दिन जी, जी। उस दिन मेरा जन्मदिन होता है जब नन्हे पैदा हुआ था, मेरे दो बर्थडे हो गए। तो आज आपके साथ मुलाकात करके मैं भी कभी सोचता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा भी कहीं कभी नाम आएगा, आम आएगा। नहीं नहीं, आपको तो आज अगर अभी खड़े हो जाओ, जो उन्होंने सीरियल देखा है, आज भी आपको फ़ौरन पकड़ लेंगे जैसे मैंने पकड़ लिया आप। बड़े अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो चलिए, ये वो जगह है, वो एड्रेस है, वो शान है। हमारे साथ यहाँ दिल्ली हाट के जो सर्वे सर्वा है वो उपस्थित हैं। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पे हर साल मैंगो फेस्टिवल करते हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जब छोटे थे हम लोग सीरियल देखते थे, उसका जो नन्हे किरदार था वो हमारी उम्र के ही रहे होंगे या हमसे छोटे ही रहे होंगे, वो आज हमारे साथ खड़े हैं। तो हमारे लिए तो ये भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैंगो फेस्टिवल भी कर रहे हैं और नन्हे के साथ भी हम खड़े हैं। अली मियां झिंझना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस टुनटुन, जो खूब मोटी हुआ करती थी और बहुत ही अच्छी कॉमेडियन हुआ करती थी, इतना प्यारा सा नाम है। सर ये ख्याल कैसे आया आपको?
میرا خیال نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کا خیال ہے، میں نے نہیں رکھا، یہ تو بزرگوں سے چلا رہا ہے نام۔ تو یہ جو ٹنٹو نام رکھا گیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا؟ اب یہ تو میں ان سے پوچھتا جو چلے گئے دنیا سے۔ اچھا، تو آپ جو یہ نام رکھتے ہیں کیسے رکھتے؟ میں نہیں رکھتا، نام تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ جب وہاں آم اگاتے ہیں تو اس سمے موسم بڑا اچھا، اس سال کیسی فصل اور کس طرح کی پیداوار ہوئی ہے؟ فصل ٹھیک ہے، ہمارے تو ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ نارملی یہ سننے میں آ رہا تھا کہ مینگوز کی کراپ اس بار اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے، آپ کے یہاں کچھ اثر پڑا اس کا؟ ہمارا باغ کبھی 100% نہیں ہوتا، ایک سال 60% یا 40% اس طرح رہتا ہے، جو 100% باغ آتے ہیں وہ ایک سال کا گیپ لے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آم کے بور لگتے ہیں تو ایک سال فصل بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ایک سال فصل تھوڑی کم ہوتی ہے، کیا بات صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یوں ہوتا ہے کہ جو باغ 100% آج فروٹنگ کر رہا ہے وہ ایک سال کا گیپ لے جائے گا، جو شاخ ایک بار پھلتی ہے وہ کبھی نہیں پھلتی، نئی شاخ نکلے گی وہی پھلتی ہے۔ کیا بات کہی انہوں نے، جو شاخ ایک بار پھلتی ہے اس میں دوبارہ سے افیکٹ آتا ہے۔ کراپ کا جہاں تک سوال ہے، بہت سائنٹیفک چیز ہے، تو ایک بات بتائیے، ٹیکنالوجی جو ہے اب بڑھ رہی ہے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی طرف، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھی بات ہے، بڑھ رہی ہے، ابھی نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، تھوڑا فاسٹ ٹریک پہ ہے معاملہ، مگر اٹ ول ٹیک ٹائم کہ سبھی اس ٹریک پہ آ جائیں، اس کے لیے وقت چاہیے، دو تین سال تو وقت لگے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں جس طرح سے اکانومی ہماری بڑھ رہی ہے، آم کی بھی انڈسٹری بہت بڑھے گی؟ ہاں ہے، بالکل امید ہے، آئی ہوپ سو، امید پر دنیا قائم ہے۔ بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی طرف۔ ابھی تک صاحب آپ اپنا اس محمد حنیف صاحب خیر آباد سیتاپور سے ہیں، ڈومیسٹکلی آپ کرتے ہیں، کیا ارادہ ہے ایکسپورٹ کرنے؟ ایکسپورٹ اس سال ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ ہمارا، گورنمنٹ جو ڈبل انکم کر رہی ہے کسانوں کے لیے، تو چھوٹ بھی دے رہی ہے کسان، بہت چھوٹ دے رہی، 50% چھوٹ دے رہی ہے آم کے اوپر بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو آم ہے جی، یہ اس کو اس کا نام ہے شریف آم، شریف تو کیوں، کیسے رکھتے ہیں آپ نام؟ ایسا نہیں، پرانے زمانے چلا رہی، یہ چلا رہا ہے مغل پیڑ سے لے آ رہے ہیں نام، مغل پیڑ سے نام چلا رہے ہیں، حسن آرا ہے، یہ دیکھیے یہ حسن آرا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ حسن آرا، حسن آرا، ہاں ہاں، کیا خوشبو ہے اس کی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو نام کیسے رکھتے ہیں؟ یہ اسی پیڑ کے رکھے ہوئے ہیں آم ہیں، نام رکھے ہیں مغل پیڑ کے نام ہیں۔ تو یہ بتائیے صاحب، کتنی پیڑھیوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم تقریباً پیڑھی تو نہیں رکھی، ہم تقریباً ہم لوگ کر رہے ہیں 50 سال تو ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 82 ایئرس ایج ہے ہماری 82 ایئرس کی ایج ہے اور ابھی بھی حوصلے بلند ہے، کیا بات ہے! آپ کو دعائیں۔ یہ کیا آم ہے جس کے لیے آپ کو پرائز ملا ہے؟ یہ ملکہ، ملکہ، ملکہ۔ یہ کس کے اوپر نام رکھا گیا ہے؟ ملکہ تو بزمانی دیکھیے، انگریزوں بیٹے مغل زمانے میں رانیوں کے نام رکھے ہوتے تھے، جو خوب سے پسند آیا تھا، پسند آیا وہی نام رکھ دیا گیا ہم کو۔ چلیے کیا بات ہے، ملکہ آم ہمارے ساتھ ہے، رانیوں کے اوپر بھی آم کا نام ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، مینگو بھارت کا راجا ہے، اٹ از دا کنگ آف فروٹس۔ نام تو ایشور کا دیا ہوا ہے، میرا نام ہے ابھینو چترویدی، بات کریں گے ویدوں کی، اور سامنے کھڑا ہے ویدک آم جو کہ آرگینک پدھتی سے اگایا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں رامویر سنگھ چوہان جی، امر کنگ سہارنپور سے۔ یہ آرگینک آم ہے سر، آرگینک آم کیوں؟ دیکھیے، اب آوشیکتا ہے ہمیں اپنے آم کو پوری طرح آرگینک بنانے کی، ودیشی گورنمنٹ ہمارے آم کو نہیں خریدے گی، سب سے زیادہ آم کو باہر سے ودیشی مدرا ہمیں آم ارجت کرتا ہے، لیکن آم میں ہم نے کیمیکل ڈال دیا اور پیسٹیسائڈ ڈال کے اس کو زہر بنا دیا، زہریلا، جس سے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم تو کھا لیں گے ہندوستان والے، کیونکہ ہمیں جانکاری نہیں ہے، ودیشی گورنمنٹ اس کو نہیں کھائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا یہ ودیشوں میں فیل ہو جائے گا۔ آج آوشیکتا ہمارے پورے سماج میں، پورے ہندوستان میں، اپنے آم کو آرگینک بنانے کی، اس میں کیمیکل ارورک بالکل نہ ڈالیں اور اس میں پیسٹیسائڈ زہر بالکل نہ ڈالیں۔ اس میں کیا ڈالیں؟ کھاد کے روپ میں گائے کا گوبر، گائے کا پیشاب، گائے کے گوبر سے کھاد بناؤ، اور لسی اور دوسری چیزوں سے اور بیسن سے بنا کے آرگینک کھاد بنا، اس میں ڈالو پیڑ میں، یدی اس میں بیماری ہوگی تو اس میں پیسٹیسائڈ اپنے گھر پہ بناؤ،
उसमें नीम के पत्ते, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और पेशाब, गाय का पेशाब उसमें डाल के, नीम के पत्ते में डाल के उसको घुमाओ, 15-20 दिन के बाद पेस्टिसाइड बन जाएगा, इसका स्प्रे करें। इसके साथ मैंने अभी पिछले सालों में मेरा चौसा, जिसका नाम उधम सिंह चौसा रखा मैंने, और ये जिस तरह उधम सिंह हमारे इंग्लैंड में गए थे और जनरल डायर को मार के आए थे, इसी तरह हमारा चौसा, उधम सिंह चौसा विदेशों में जाएगा और हमारी धाक बनेगी। तो आज आवश्यकता है पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाने की। मैंने एक आम तैयार किया जिसका नाम वैदिक आम मैंने रखा। इसको वैदिक रीति से तैयार करते हैं, गाय का पेशाब, गाय का गोबर और गौमूत्र से इसमें पेस्टिसाइड खाद बना के इसमें डालते हैं। यदि पेड़ में कोई बीमारी आ गई, आती है बीमारी पेड़ में, फल में, फल खराब हो जाएगा हमारा, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए वैदिक रीति से इसके नीचे, पेड़ के नीचे यज्ञ करना होता है। पेड़ के नीचे यज्ञ करेंगे तो परमाणु, सूक्ष्म परमाणु के द्वारा इसकी बीमारी दूर हो जाएंगी और ये पूरी तरह वैदिक आम बन जाएगा। तो आज मेरा कहना यही है पूरे हिंदुस्तान से, बागबानों से, कि अपने आम को पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाएं, और इसको जब आप पूरी तरह ऑर्गेनिक बना देंगे तभी ये विदेशों में जाएगा, विदेशी लोग तभी इसको पसंद करेंगे और हमारे देश में अधिक से अधिक लोग बाग तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार नहीं होंगे और विदेशी गवर्नमेंट हमारे आम को खरीद पाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि भारतीयता, स्वच्छ भारत का ये भी आधार है कि ऑर्गेनिक तरह से, ऑर्गेनिक पद्धति से आम को उगाया जाए। वी आर इन फ्रंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट AIRI, हमारा पूसा इंस्टीट्यूट का बहुत ही सुंदर अनुसंधान है और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ निर्यात के लिए उपयुक्त आम की उन्नत किस्में। सर क्या इतनी खूबसूरत पूसा की लालिमा के बारे में कुछ बताएं। देखिए अगर आप इस लालिमा को गौर से देखेंगे, इसका जो नाम है उसके फुट के हिसाब के आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉस है दशहरी और सेंसेशन का। दशहरी हमारे उत्तर भारत की बहुत अच्छी किस्म है, सेंसेशन में कलर बड़ा अच्छा आता है। आजकल क्या है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो कि दिखती हैं उसके हिसाब से प्राइस बहुत अच्छे मिलते हैं। हम किसान की इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी वैरायटी जिसमें कि टेस्ट अच्छा हो, TSS अच्छा हो, उसके साथ साथ उसकी मार्केटबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, ये उसकी खासियत है। ये जो लालिमा है इसके साथ साथ आप और वैरायटी देखेंगे, जैसे ये हमारी प्रतिभा है, ये प्रतिभा है, ये बहुत अच्छा है। इसका फ्रूट साइज पूरे के पूरे उत्तर भारत में बहुत अच्छी इसकी डिमांड होती है, बहुत अच्छा ही इसका उपज है। इसके साथ साथ इसकी जो मिठास है वो नॉर्मल आपके जो आम अभी उपलब्ध है उनसे भी बहुत अच्छी इसकी मिठास है। ये वो वैरायटी हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, जिसको कहते हैं सघन बागवानी, उसमें बहुत अच्छे से चल रही हैं। इसके साथ साथ ये हर साल फलत देती हैं। हर साल फलत देने का मतलब है कि किसान को रेगुलर इससे इनकम मिलेगी, ना कि एक साल आम की फसल आती है, एक साल नहीं आती है। तो ये सारी खूबसूरतियाँ हैं इन आम की उन्नतशील प्रजातियों की, जो कि भारतीय किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। सर आपका नाम तो मैं पूछना, आमों के चक्कर में मैं ही भूल गया नाम पूछना, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी है, मैं वैज्ञानिक हूँ पूसा संस्थान में। विज्ञान की अगर बात की जाए तो विज्ञान का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आम की वजह? आम में 60-70 के पहले जो भी हमारी प्रजातियां थीं वो सारी की सारी सिलेक्शन थी या बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड वैरायटी थी। ये विज्ञान और तकनीकी का ऐसा सहयोग हुआ कि हमने वो सारी प्रजातियां विज्ञान के कारण ही विकसित की, कि हमने एक प्रजाति दक्षिण के लिए, एक प्रजाति उत्तर के लिए, उन दोनों के क्रॉस बना के इतनी खूबसूरत प्रजातियों का चयन किया और विकसित किया। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आपका नाम बताइए। टीना नारंग। टीना जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, नया एक्सपीरियंस है, इतने सारे आम कभी नहीं देखे। इतने सारे आम कभी नहीं देखे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या देखने को मिला आपने? बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। मैम क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे आम खाने का भी शौक है और देखने का भी। आम खाने का शौक है और देखने का भी है। तो क्या क्या देखा आपने? हाँ जी, क्या क्या अलग अलग वैरायटीज, मतलब ऐसे ऐसे नाम जो हमने सुने नहीं हुए, एकदम से लाल रंग के आम पड़े हुए हैं, हमने कभी दिल्ली में नहीं देखे हैं। मैंगो फेस्टिवल में ज़रूर देखे होंगे, अदरवाइज सेल के लिए नहीं आता ये चीज़ें ना। सेल के लिए जो आम है, सफ़ेद है, दशहरी है, चौसा है, ऐसे वाले आते हैं। तो आँखों में आपकी कुछ चकाचौंध सी नज़र आ रही? हाँ बिल्कुल, एकदम से बहुत ज़्यादा।
मैं जो आप सरप्राइज़ देने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिए, क्योंकि तड़का बड़ा ज़बरदस्त है। पुलिस आ चुकी है आम की। जी हाँ, आमों की पुलिस, क्या बात है। यानी अब आमों की भी पुलिसिंग हो रही है। बिहार यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुपौल भागलपुर के हमारे पास मौजूद हैं सर। ये संजय जी, अपना परिचय दें हमको। मैं डॉक्टर संजय साहेब वरीय वैज्ञानिक हॉर्टिकल्चर फूड में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हूँ। तो ये पुलिस का क्या चक्कर है आम में? ये हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटीज़, जैसे कि मेरे यहाँ 253 वैरायटीज़ सेलेक्ट किए गई है, उसमें एक वैरायटी पुलिस भी है जिसका हम लोगों ने सिलेक्शन करके इसका नाम पुलिस रखा है। आप बात कर रहे थे हाइब्रिड मैंगोज़ की, वो कौन सा इंटरनेशनल हाइब्रिड है? सर ऐसा है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम हुआ था वो हमारे यहाँ से ही पूरे भारत में शुरू हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने एक दो वैरायटी जो कि प्रभाशंकर महमूद बहार के नाम से जाना जाता है, वो 1951 में रिलीज़ हुई थी, जो कि वर्ल्ड की, विश्व की पहली हाइब्रिड हम लोगों सबौर से रिलीज़ हुई है, जिसका नाम प्रभाशंकर एंड महमूद बहार है। उसके बाद अभी तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 9 वैरायटीज़ का इजाद किया है, जो कि अभी पूरे इंडिया में विश्वविख्यात भी हो रहा है, जिसमें कि प्रभाशंकर, महमूद बहार, मेनका, ये सुंदर लंगड़ा और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे फ्रूट्स हैं। और बहुत सारे आप कलर्ड वैरायटी भी देख रहे होंगे, जैसे कि टॉमी एटकिंस, वनराज। टॉमी एटकिंस जो है ये एग्जॉटिक वैरायटी है, ये फ्लोरिडा से हम लोगों ने यहाँ लाया है, और इसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे कि करीब करीब ये 400-500 ग्राम का एक फ्रूट है। उसी तरह वनराज, जो कि हम लोगों ने लाया है वनराज, और ये क्रॉसिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कलर डोनर के रूप में हम लोगों ने यूज़ करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है वो कलर्ड वैरायटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग वन ऑफ द पेरेंट में वनराज भी यूज़ करते हैं, टॉमी एटकिन भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ की कमर्शियल वैरायटी है, जैसे जरदालू। जरदालू पे हम लोगों ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, और बिहार के लिए बहुत अच्छी वैरायटी, और जिसका GI टैग इंडिया से हम लोगों ने लिया है। यानी आप बात करें डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये कलर्ड, जितने भी कलर रहते हैं वो जो हमारे शरीर में खराब तत्व होते हैं उसको निकालने में ये कामयाब है, इसीलिए हम लोगों ने कलर वैरायटी डेवलप करने की योजना बनाई है। और जो कमर्शियल वैरायटी है, जैसे मालदा, जरदालू, इसमें कलर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू उसमें कलर लाने का प्रोग्राम चला रहा है। अब भविष्य में हम लोग मालदा में भी कलर लाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, यानी कि हेल्थ के ऊपर अगर विचार किया जाए फ्रॉम दी हेल्थ पर्सपेक्टिव, यहाँ बात तो फलों की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है, लेकिन सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, कोई ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, कोई एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आप खाते हैं, हमारे यहाँ कहा है भारत में कि जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर हमारा अन्न साफ है, हमारा खान पान साफ है, तो हमारा मन भी उतना प्रसन्न रहेगा। यही है नए प्रसन्न भारत की पहचान। दिल्ली हाट में आज आमों के साथ साथ लोगों के आने की बरसात हो रही है, कितने लोग चल के आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे साथ है अनुराधा जी। अनुराधा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर फेस्टिवल में? वो वाओ, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारी कंट्री में इतनी वैरायटी के आम हैं, जो पूरे संसार में मेरे को लगता है कहीं और वर्ल्ड में देखने को भी नहीं मिलेंगे। ये मैंने अभी पढ़ी रही थी नेम, राजीव, अरुणिका, अंबिका, इतनी वैरायटी है इनके नेम के, मतलब कि मैं अगर सुबह से शाम एक एक आम को भी देखूँ ना, तो मेरे को लगेगा वाह क्या स्वाद आ गया है। तो इतना इतना आपको ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त मेला लगा है आमों का, तो आज आप आम खाने वाली भी हैं? बिल्कुल खाएंगे। आम तो जो है, जो हमारी कंट्री का जो है वो राजा है, और इतने सारे राजाओं को तो कौन नहीं खाना देखना चाहेगा, और बल्कि टेस्ट करना चाहेगा इन सब चीज़ों को। तो आप पूरी फैमिली के साथ आई हैं? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड और मैं यहाँ पे देखने के लिए आई हूँ, और बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों देखने के लिए कि इतनी सारी मैंगो की वैरायटी। और ये वो तो आपकी स्माइल से लग रहा है कि आप इतनी एक्साइटेड है, आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि इतने खूबसूरत आमों की यहाँ पे बरसात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर मैं अनाज नहीं आती तो बहुत मिस करती इन सब चीज़ों को। तो उनके लिए क्या संदेश है जो आज यहाँ नहीं आए? कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, कि हमारी कंट्री को पूरा देख ही नहीं पाए हैं, कि हमारी कंट्री में जो आम जो है, जो राजा है,
सारे फलों का राजा है और उसको आप देख ही नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हो आप। तो दिल्ली टूरिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इसको आयोजित किया है? बिल्कुल, इसको प्रमोट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ प्रमोट करना चाहिए? ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया। तो यानी कि इस फेस्टिवल को दिल्ली से बाहर भी निकाला जाए? बिल्कुल, और बाहर तो लोग इतने एक्साइटेड हैं आम खाने के लिए, वो तो यहाँ से अगर बाहर भी अगर जाएं तो एक एक वैरायटी को भी अगर देखेंगे खाने के लिए तो उनको लगेगा क्या इंडिया में उन्होंने क्या देखा और क्या चखा उन्होंने। बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? पूजा गुप्ता। पूजा, व्हिच क्लास आर यू स्टडीिंग? 5th ए। 5th। एंड हाउ यू फाइंडिंग दिस फेस्टिवल बेटा? माय नानी हैज टोल्ड मी। एंड हाउ यू लाइकिंग दिस फेस्टिवल? वेरी नाइस। आपने कभी इतने सारे आम इकट्ठे देखे? नो नो। आपको मजा आ रहा है? तो कैन यू ऑल्स? Really very nice. I'm a doctor. My kids are really. May I know your name, please? Dr. Shweta Batra. Dr. and your? My name is Samriddhi Batra. And how are you finding it? It is very nice, very well organized. All the coordinators are very good. We really liked it. This is the first time we are coming to the Mango Festival. And it is really very nice. It's worth coming here. So, do you think that it's a very good initiative by the Delhi Tourism? Obviously. Like, everybody should have taste of all the mangoes. And it is really very, very good. I'm so happy. Even my children are so happy. So, do you think that the children will learn from here after seeing? Yes. If, like, we have the Pusa Institute. So, they are giving us the crossbreed varieties, everything. So, we should teach them, like, how you get the mangoes of different variety. So, we should bring our children to get them more educated. At least they see the variety of mangoes. Mango's scientific name is Magnifera indica. So they should know everything. When they eat everything, they should know, and more knowledge will be imparted to them. So it is really a very, very good initiative. So fantastic. This is really interesting. This is so interesting that, you know, we have, sir, your name please. I'm Yogesh Srivastav. I live in Delhi. और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है दिल्ली टूरिज़्म की तरफ से, और इससे देश के नागरिकों में और बच्चों में खासकर जागरूकता तो खैर आएगी, लेकिन इससे जो सबसे अच्छी जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करता हूँ जी, और मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी हैं कि हम मैंगो को कैसे एक्सपोर्ट करें और किन किन देशों में हम जा कर के इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं ये निवेदन करूँगा दिल्ली टूरिज़्म को, और इनफैक्ट दिल्ली टूरिज़्म हमारा मेंबर भी है, तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग मिल करके इसको हम देश के अपने कोने कोने में इसको हम लगाएं, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका में, हम इसको यूरोप में, इस तरह के फेस्टिवल्स को हमको प्रमोट करना चाहिए, और PhD चैम्बर इसमें अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात की है, क्या आपको लगता है कि आमों का अब रोड शो होना चाहिए? मैं समझता हूँ आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि आम जो है, अभी जैसे आप, अभी मैं कहीं आपकी बाइट देख रहा था, उसमें एक जगह है पुलिस आम। ये मैं अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार सुन पा रहा हूँ कि पुलिस आम मैंने कभी सुना ही नहीं था, जबकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ पर आमों की मैक्सिमम वैरायटी आमों की उत्तर प्रदेश में ही है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अपॉर्चून टाइम पर ये दिल्ली टूरिज़्म ने इस पूरे एग्जीबिशन को किया है, और मैं आग्रह करूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी इनको हमारी तरफ से जो भी मदद की आवश्यकता हो, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसको देश के दूसरे शहरों में लेकर के जाएंगे और लोगों में एक जागरूकता फैलाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, ये राष्ट्र स्तर से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए? मैं समझता हूँ सर, ये राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह जाना चाहिए। मेरा निवेदन दिल्ली टूरिज़्म को फिर से एक यही होगा कि कैसे हम देश की जो पॉलिटिकल हमारे बॉसेस हैं, हम उनको यहाँ तक लेकर के आएँ और बताएं कि साहब हमारा जो ये एक राजा आम है, इसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, और देश के बाहर जो लोग हैं, इनफैक्ट मैं अभी कनाडा गया था पीछे, कनाडा में मुझे पता लगा कि मैक्सिमम वहाँ पर जितने भी लोग आम जो खाने वाले हैं और जो आम खाना चाहते हैं, उनको स्पेशली इंडिया आना पड़ता है साहब आम खाने के लिए गर्मियों में। मतलब आम खाने के लिए गर्मियों में भारत आते हैं, तो क्या ये आम हम वहाँ ले जा सकते हैं? आपका इशारा उसी तरफ है? मेरा इशारा बिल्कुल उसी तरफ है सर, कि हम क्यों ना हम इस आम को हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लेके जाएं, कनाडा लेकर के जाएं, और वहाँ पर हम इस तरह की एग्जीबिशंस करें, और जो हमारा NRI जो वहाँ पर है,
मैं समझता हूँ इसको बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा और हम लोगों की तरफ से, पीएचडी चैम्बर की तरफ से हमारी इसमें से जो मदद होगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। हमारे दिल्ली टूरिज़्म के अधिकारी, मैं अभी सोपती साहब से मिला, सोपती साहब से हमारी काफ़ी इस पर गहन जो है इस पर डिस्कशंस हुआ है। सोपती साहब, हम चाहेंगे कि हम इसमें आगे मिल करके काम करें और हम इस देश की जो हमारी ये धरोहर है, मैं समझता हूँ ये हेरिटेज है हमारे पास, और ये देश की जो धरोहर है ये वर्ल्ड के कोने कोने में जाए। जी हाँ, याम नहीं, बहुत कुछ ख़ास है, और अगर ये भारत से बाहर निकलता है तो अगर हम ही इसे लेकर जाते हैं, अग्रसर होते हैं उस पथ पर, तो इसका एक्सपोर्ट निश्चित तौर पर बढ़ेगा।